मंदिर में चोरी कर रहे कुछ लोगों का ये सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है। तीन लोग हिंदू देवता शिव के मंदिर में चोरी कर रहे हैं। ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि कच्छ के मकेश्वर महादेव मंदिर में मोहम्मद यूसुफ और रजाक ने चोरी की। ये वीडियो शेयर करते हुए हिंदुओं को जागने के लिए भी कहा जा रहा है। दावा है कि मंदिर में चोरी करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं। इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने छानबीन शुरू की। यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करते हुए हमें ये वीडियो एमवी न्यूज गुजराती की 6 फरवरी 2022 की रिपोर्ट में मिला। रिपोर्ट के मुताबिक दैत्रोज तालुका के ओढ़व गांव के गोमतेश्वर महादेव मंदिर में चोरी हुई थी और ये उसी घटना का वीडियो है। चोरों ने लगभग 3 किलो चांदी चुराई थी। वीटीवी गुजराती चैनल ने भी ये वीडियो ओढ़व के मंदिर में हुई चोरी का बताया है। दिव्य भास्कर की 6 फरवरी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में 4 फरवरी की रात चोरी हुई थी। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर दैत्रोज पुलिस ने मंदिर के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की, लेकिन किसी संदिग्ध व्यक्ति या आरोपी के बारे में पता नहीं चल पाया। आरोपियों की पहचान के बारे में पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने दैत्रोज पुलिस स्टेशन में संपर्क किया। जांच अधिकारी बीएस जाला ने बताया कि इस घटना की सारी सीसीटीवी फुटेज चेक कर तकरीबन 20 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी आरोपी का नाम सामने नहीं आया है। व्यूअर्स गौर करें कि वीडियो के साथ शेयर किए गए मैसेज में कच्छ के एक मंदिर में चोरी होने की बात बताई गई है। इस दावे की जांच करते हुए ऑल्ट न्यूज ने पाया कि हकीकत में कच्छ के मकेश्वर महादेव मंदिर में चोरी हुई थी, लेकिन वायरल मैसेज में बताए गए आरोपियों के नाम मनगढ़ंत है। 18 फरवरी को कच्छ उदय ने रिपोर्ट किया कि गुजरात के अंजार तालुका के कुछ मंदिरों में चोरी की घटनाएं हुई थी। जांच करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इन आरोपियों के नाम है रमनू भाई अर्जुन भाई खैर, समंदर खान चांद खान पठान, कल्पेश प्रकाश भाई नट। ये नाम कच्छ पुलिस की प्रेस रिलीज में भी बताए गए हैं। पुलिस ने इस मामले में बयान देते हुए ये कहा, बेसिकली यहाँ पे पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी चोरियाँ हो रही थी। इसके लिए आईजी साहब ने एक स्पेशल टीम की गठन किया, जिसमें पूर्व कच्छ एसपी साहब के आदेश के अनुसार हमने ह्यूमन और टेक्निकल इंटेलिजेंस के आधार पे जो उस मंद आश्रम में जो चोरी हुई उसका सीसीटीवी फुटेज काफ़ी एनालाइज किया और उस एनालिसिस से हमें एक आरोपी एक पकड़ में आया। उस आरोपी के थ्रू हमें ये पता चला कि इस चोरी का कहीं ना कहीं कनेक्शन बनासकाठा से भी है। गुनाह का जो मेन मास्टरमाइंड था वो है गोपाल नट, जो कि अभी हमारा वांटेड है। यानी कच्छ के मंदिरों में हुई चोरी की घटना में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है। लेकिन इस घटना को अहमदाबाद में हुई चोरी की एक और घटना के वीडियो के साथ शेयर किया गया और झूठा सांप्रदायिक दावा किया गया कि मंदिर में चोरी करने वाले सभी लोग मुस्लिम हैं।